हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इससे पहले हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा कि किस तरह हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को जो भी एक्शंस हैं रिएक्शंस हैं मैकेनिज्म हैं सभी को हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंड मैंने आपको बताया था कि इसी नर्वस कंट्रोल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में एक और कंट्रोल प्रेजेंट होता है दैट इज द केमिकल कंट्रोल हमने उसका रीजन भी पढ़ा था कि जो न्यूरॉन्स हैं वो जो कंट्रोल करती हैं सिस्टम्स पे तो न्यूरोन्स से किसी भी मैसेज का जो कंडक्शन है वो बहुत ही फास्ट होता है नो डाउट बहुत ही रैपिडली क्विकली होता है बट इट इज शॉर्ट लिफ्ट है ना जितना जल्दी ये होता है उतनी फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है फिर बार बार लगातार नए नए स्टीमुलस के थ्रू उन सिग्नल्स को भेजना जरूरी है तो अगर मान लो हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन को कंटिन्यूअसली कुछ देर तक काम करवाना है तो न्यूरॉन्स में इतनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह नेचर ने क्या किया हमें एक और कंट्रोल दे दिया दैट इज केमिकल कंट्रोल कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल दे दे और वो ग्लैंड अपना हार्मोन ब्लड में डाल दे और ब्लड के थ्रू वो हार्मोन अपनी सेल्स के रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक जाए जितने भी हार्मोन्स है ना हमारी बॉडी में वो इसी मेकेनिज्म से काम करते हैं कि सेल पे उसके रिसेप्टर्स होते हैं और हार्मोन को जाकर बस वहां बाइंड होना होता है ठीक है तो जब तक हार्मोन उस रिसेप्टर पर बाइंड रहेगा तब तक सेल को सिग्नल मिलता रहेगा सेल एक्टिव रहेगी जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो सेल करेगी तो इसलिए क्या होगा न्यूरॉन्स को हमेशा बिजी रहने की हमेशा सिग्नल्स भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने हमें न्यूरल कंट्रोल के साथ साथ केमिकल कंट्रोल भी दिया है ये सबस्टिट्यूट नहीं है न्यूरल कंट्रोल का कि भाई हम कहें कि भाई न्यूरल कंट्रोल नहीं है तो भी केमिकल कंट्रोल काम चला लेगा ऐसा नहीं है केमिकल कंट्रोल एक सेकेंडरी कंट्रोल है प्राइमरी कंट्रोल हमारी बॉडी पर न्यूरल सिस्टम नर्वस सिस्टम का ही है बट येस yes, ये हमें तब हेल्प करता है जब हमें किसी ऑर्गन को प्रोलॉन्ग्ड कंटिन्यूअसली एक्ट करवाना है और प्लस ये हमें एक और चीज में भी हेल्प करता है कि हमारी जिन सेल्स तक मान लो कोई डेंसली पैक्ड ऑर्गन है तो एकदम हर सेल तक इनरवेट करना नर्व का पहुंचना जरूरी नहीं है नहीं पहुंच पाए तो हार्मोन तो हर जगह पहुंच ही जाएगा क्यों क्योंकि हार्मोन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू सिक्रीट मतलब ब्लड के थ्रू एंटर कर रहा है और आपको पता है ब्लड कैपिलरीज हर जगह हैं कैपिलरी से प्लाज्मा लीक होता है टिश्यू फ्लूड बनता है तो उस टिश्यू फ्लूड में हॉर्मोन प्रेजेंट होता है तो इट कैन रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो बस इसीलिए नेचर ने हमें एक और कंट्रोल दिया दैट इज द केमिकल कंट्रोल अब जो हमारी बॉडी का केमिकल कंट्रोल है वॉट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम इस चैप्टर में हमको बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये जो हमारा केमिकल कंट्रोल है ना ये केमिकल कंट्रोल पूरी तरह से हॉर्मोन्स पर डिपेंडेंट है और हॉर्मोन्स को जो ग्लैंड्स बनाती हैं उनको यू you नो know क्या कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड की हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ठीक है किस पर्टिकुलर ग्लैंड से कौन सा हारमोन बनता है और वो हॉर्मोन पर्टिकुलरली क्या एक्शन करता है बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है सिंपल चैप्टर है इसमें आपने अगर एक बार चीजों को समझ लिया कि भाई इस ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को लॉजिकली ध्यान याद कर लिया कि इसका ये फंक्शन है हमारी बॉडी में तो आराम से जो दो से तीन क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो आप सही कर सकते हैं नीट में ठीक है तो सिंपल एंड स्कोरिंग चैप्टर है अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को सभी बच्चे इस चैप्टर में पहले तो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे देन एंड एंड ऑफ द चैप्टर में जो हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट हो गया किडनी है डाइजेस्टिव ट्रैक है दीज आर नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड बट ये भी कुछ हार्मोन सेक्रेट करते हैं उनके बारे में दे रखा है एंड लास्टली विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी हार्मोन हमारी बॉडी में जब एक्ट करेगा तो इट हैज टू बाइंड विद रिसेप्टर्स तो ये रिसेप्टर्स पर कैसे बाइंड होता है कहां इसके रिसेप्टर्स होते हैं ये हमें इस चैप्टर के एंड में पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं एनसीआर में क्या लिखा हुआ है भाई में यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड रेपिड कॉन्टैक्ट रेपिड कॉर्डिनेशन अमंग ऑर्गन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया द न्यूरल कॉर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट शॉर्टलिफ्ट एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेल्यूलर फंक्शंस नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड ये दो रीजन्स दिए हैं कि जब हमारे पास न्यूरल कंट्रोल था तो नेचर ने हमको केमिकल कंट्रोल क्यों दिया एडिशनली क्योंकि पहला कारण क्या है कि जो नर्व फाइबर्स हैं वो सभी सेल्स तक नहीं पहुँच सकते और दूसरा कुछ फंक्शंस को कंटिन्यूअसली सिग्नल्स देने की जरूरत होती है ठीक है सो अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैजू बी प्रोवाइडेड एंड दिस फंशन इज कैरिड आउट बाई हॉर्मोन्स ठीक है द न्यूर सिस्टम एंड द एंड सिस्टम ज्वाइंटली अकेले नहीं कर रहे हैं दोनों मिलकर कॉर्डिनेट एंड रेग्युलेट द फिजोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी ठीक है नाओ सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मो में हार्मोन्स की डेफिनेशन आपको बताइए कि बेसिकली हॉर्मोन क्या है तो एक्चुअली ना पहले पहले हॉर्मोन्स की एक जो ओल्ड डेफिनेशन कह लो या आप इस यहाँ पे आपके लिखा है क्लासिकल डेफिनेशन कह लो उसमें हॉर्मोन्स को ये माना जाता था कि भाई हॉर्मोन वो केमिकल्स हैं जो एंडोक्राइन प्लान से प्रोड्यूस होते हैं और इनका जो टारगेट ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं दूर होता है जैसे मान लो हमारी थायरॉयड ग्लैंड यहाँ होती है आपको पता है नेक रीजन में तो थायरॉयड ग्लैंड का जो हॉर्मोन है वो सिर्फ यहीं एक्ट थोड़ी ना करता है उसकी उसकी जरूरत तो बॉडी की हर सेल को है तो यानी ये जो हॉर्मोन्स हैं इनकी जो टारगेट सेल्स होती हैं इनके जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं दे आर डिस्टेंटली लोकेटेड वो दूर दूर लोकेटेड होते हैं ठीक है तो पुरानी डेफिनेशन ये कहती है हॉर्मोन्स की कि हॉर्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इन टू द ब्लड ब्लड में क्यों भेजना पड़ेगा क्योंकि भाई हर सेल तक पहुंचाना है तो हर सेल तक ले जाने का काम कौन करेगा हमारा व्हीकल दैट इज ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन टारगेट ऑर्गन यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या द क्लासिकल डेफिनेशन हैज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन अच्छा यहाँ पे कुछ आई थिंक कुछ मिसिंग है मतलब ये ये कह रहा है कि जो क्लासिकल डेफिनेशन थी हॉर्मोन्स की उसमें हॉर्मोन सिर्फ उन केमिकल्स को माना जाता था जो एंडोक्राइन प्लांट से बनते हैं ब्लड में सिक्रीट होते हैं और उन्हें डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाया जाए लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ केमिकल्स फिट नहीं हो रहे थे बच्चों और साइंटिस्ट को लगा था कि नहीं भाई ये भी किए केमिकल भी बिल्कुल हार्मोन्स की तरह एक्ट कर रहे हैं अपने रिसेप्टर पे ही बाइंड हो रहा है इनको भी ब्लड में ही सिक्रीट किया जा रहा है लेकिन उन केमिकल्स को जो हमारी मेन एंडोक्राइन प्लान्स है ना वो नहीं बनाती जो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे ना जैसे हार्ट कुछ केमिकल्स बनाता है किडनी में कुछ सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती हैं जो बिल्कुल हॉर्मोन्स की तरह एक्ट करती हैं तो फिर इस डेफिनेशन को चेंज किया गया और इस डेफिनेशन में जो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है हॉर्मोन्स की वो क्या कहती है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिय केमिकल्स पहली बात तो ये क्लैरिफाई की गई कि भाई हॉर्मोन्स को आप विटाम्स या कार्बोहाइड्रेट या क्योंकि हॉर्मोन खुद एक प्रोटीन होता है तो प्रोटीन होता है तो उसका मतलब आप ये मत समझना कि हॉर्मोन से हमें नरिशमेंट मिल रहा है हॉर्मोन इज अ नॉन न्यूट्रिय केमिकल ज इंटरसेल्यूलर मैसेजर यानी जरूरी नहीं है वो केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ हो उसे ही आप हार्मोन कहोगे बल्कि वो केमिकल जो एक सेल से दूसरी सेल तक मैसेज पहुंचा रहा है इंटरसेल्युलर मैसेजर का काम कर रहा है प्लस जो ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है कोई बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट नहीं होते हैं हॉर्मोन्स अगर कोई भी एक ऐसा केमिकल है जो क्या है नॉन न्यूट्रिय है एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है और ट्रेस अमाउंट में हो रहा है तो आप ऐसे केमिकल को हार्मोन कह सकते हैं और जब यह uh, तो वाली डेफिनेशन में हार्मोन नहीं कहलाते थे तो यहां लिखा है डेफिनेशन कवर नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय द ऑर्गेनाइज ग्लैंड इट इज नॉट एसेंशियल हार्मोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही बने बल्कि कई सारी हमारी बॉडी में जो दूसरे ऑर्गन हैं जो नॉर्मली एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है उनका कोई और फंक्शन है अगर वो भी कोई ऐसा केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं जो इस नई डेफिनेशन में फिट हो रहा है तो उस केमिकल को भी आप हार्मोन कहेंगे जैसे हम कई सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसके जैसे ए एन एफ पढ़ा था हमने किडनी वाले चैप्टर में एट्रियल एल नेट्री फैक्टर वो भी एक हार्मोन है रेनिन पढ़ा था हमने जे जी सेल से वो भी एक हार्मोन है ठीक है इवन हमारा जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना उस डाइजेस्टिव ट्रैक में एंजाइम्स के अलावा कुछ हार्मोन्स भी सिक्रिएट होते हैं जो पहले वाली डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे थे बट नाउ यस दे आर ऑल्सो हॉर्मोन्स ठीक है क्लियर सो ये हुई बात हॉर्मोन्स के डेफिनेशन की नाउ यहाँ पर जैसे हम हर चैप्टर के शुरू में पढ़ते हैं कि पूरे एनिमल किंगडम में अगर हम उस पर्टिकुलर फिजोलॉजिकल ऑर्गन की बात करें तो वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ तो यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सिर्फ एक लाइन दे रखी है कि भाई अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स में भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है बट बहुत ही सिंपल टाइप का हमारी तरह बहुत सारी ग्लैंड्स नहीं होती बहुत सारे हार्मोन्स नहीं होते कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जैसे आपने अगर सुना हो तो इंसेक्ट्स में ना फीरोमोन्स होते हैं फीरोमोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो मेटिंग के टाइम पर मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रीट होते हैं ठीक है तो ये जो फीरोमोन्स हैं वो भी एक तरह के हॉर्मोन्स हैं और भी कुछ केमिकल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स में विच एक्ट एज हॉर्मोन बट अगर हम हमारी बात करें तो देर इज लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हॉर्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यूज और सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम पर भी क्लियर कर दिया कि एंडोक्राइन सिस्टम में सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं आती बल्कि एंडोक्राइन ब्लांड्स तो आती आती है बट उनके साथ साथ अगर हमारी बॉडी में कुछ डिफ्यूज टिश्यूज हैं मतलब किसी भी ऑर्गन में जैसे किडनी में जेजी सेल्स हैं तो जेजी सेल्स को भी आप एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट मान सकते हो क्योंकि वो भी हॉर्मोन बना रही हैं ठीक है सो द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड डिफ्यूज सेल्स जो ऑर्गेनाइज की फॉर्म में नहीं है ये सब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं अगर हम हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो उसमें आती हैं ये सारी ग्लैंड जिनको अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कौन कौन से हैं यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि गोनार्ड्स को भी गोनार्ड्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिनका काम है गिमीट्स बनाना मेल में में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी डू दे आर द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इनको भी एंडोक्राइन सिस्टम में रखते हैं बच्चों क्योंकि ये भी हॉर्मोन्स बनाते हैं यू नो वेरी वेल मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन तो क्लियरली ये हॉर्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड भी हैं ठीक है थीके? तो गोनाइड भी क्या है गोनाइड सेक्स ऑर्गन तो है ही है प्लस ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्लियर देन डनी हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स जैसे लिवर में आप मान सकते हो कि लिवर से एंजियोटेन्सिनोजन केमिकल बनता है हमने पढ़ा था रास् सिस्टम में किडनी वाले चैप्टर में एक्सक्रिटरी सिस्टम में तो बस इसलिए लिवर को भी मान लिया की वो भी एक हॉर्मोन बना रहे तो कोई भी ऑर्गन एडिशनल ऑर्गन जो एक ऐसा केमिकल बनाए जो मैसेंजर की तरह काम करे आप उसे भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट मान सकते हैं ठीक है क्लियर अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस याद आया क्या किसी को अभी अभी पढ़ा है लास्ट चैप्टर में हमने ये yes, हमारे ब्रेन में फोर ब्रेन में तीन पार्ट्स होते हैं सेरिब्रम थैलेमस हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस वैसे तो ब्रेन का एक पार्ट है

सिर्फ ग्लैंड नहीं है वैसे वो पार्ट है ब्रेन का ठीक है तो देखें जरा डायग्राम में कौन कौन सी ग्लैंड हमको बताइए देखें हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड हैं तो देखो सबसे पहले हमारे ब्रेन में आपको तीन ग्लैंड याद रखनी है फर्स्ट हाइपोथैलेमस सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थर्ड पीनियल ग्लैंड ठीक है तीनों ग्लैंड हमारे ब्रेन में ही होती है थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था तो अगर मान लो ये हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक मटर के दाने जैसी छोटी सी ग्लैंड होती है बिल्कुल जिसको कि कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है, है कहाँ दिखाइए ये रही. ये दिखाइए पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल छोटी सी पी के पी साइज की होती है बट इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी हमारे बॉडी की कई सारी दूसरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देती है एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करवाती है कि किसको कब क्या हॉर्मोन से करना है इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को लिख लेना दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ठीक है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे पता चलता है कि मुझको सिग्नल भेजना है भाई हर चीज के अंडर में काम कर रही है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है hypothalamus, that's why, hypothalamus को बोलते हैं क्या बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ठीक है बात समझ में आ गई क्या तो ये दो ग्ला तो है ही हमारे ब्रेन में प्लस हमारे ब्रेन में थैलेमस की जो रूफ होती है उसको बोलते हैं बच्चों एपी वहीं पर डोरसली एक और छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड ठीक है तो तीन ग्लैंड ब्रेन में याद रखनी है देन दो ग्लैंड हमारे नेक रीजन में है एक बटरफ्लाई शेप्ड या एच शेप्ड ग्लैंड फोर्थ नंबर और इसी थाइड ग्लैंड के पीछे की तरफ चार कॉर्नर्स पे चार ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं पैराथायरॉयड देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ आपके एनसीआरटी में आगे दिया है थायराइड ग्लैंड के डायग्राम पे जाओ आप जरा गया हेयर इट इज ये ये रहा देखो तो आपकी ग्लैंड है देखा आपने कहां पर है ऐसा लग रहा जैसे आपके विंड को, आपके को करके खड़ी है, है ना ये ट्रैकिया है, है, है पर पीछे पूरी नहीं है वेंट्रली तो सामने की तरफ तो पूरी है लेकिन पीछे की तरफ अगर आप ट्रैकिया को पलट के डॉर्सली देखोगे तो उस ग्लैंड के दो लोब्स दिखेंगे और वहीं पर डॉर्सली आपको चार छोटी छोटी पैरा थारॉयड ग्लैंड भी मिलेंगी तो थाइरयड अलग है

थाइमस में तो थाइमस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है क्लियर देन हमारे एब्डोमिनल कैविटी की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में यू नो डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ते नहीं है वरना पेनक्रियाज आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके होते तो पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है प्लस ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है क्योंकि ये हॉर्मोन्स बनाता है स्पेशली इंसुलिन हार्मोन जिसकी कमी से डायबिटीज हो जाती है ठीक है तो पेनक्रियाज हो गया डनीस के जस्ट ऊपर हमने पढ़ी थी एड्रीनल ग्लैंड होती है बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स बनाती है क्लियर तो ये एट ग्लैंड कॉमन है हम सबकी बॉडी में और ये जो गनार्ड्स हैं उसमें यू you नो know, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल ठीक है तो अगर हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात करें तो नाइन ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड आर प्रेजेंट इन अ पर्सन ठीक है तो और अगर टोटल ऑल ओवर देखें हम मेल फीमेल में टोटल कितनी ऑर्गेइज एंडोक्राइन ग्लैंड है तो टेन ग्लैंड आते हैं ठीक है समझ में आ गया कैसे याद रखोगे बहुत सिंपल है ना ग्लान्स को याद रखना तीन ब्रेन में हो गई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और पीनियल दो नेक में हो गई थायराइड एंड पैराथायराइड एक थोरासिक में हो गई थाइमस दो एब्डोमेन में हो गई पेनक्रियाज एंड एड्रीनल और दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए टेस्टिस एंड ओवरी जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बाकायदा ऐसा नहीं है कि वो एडिशनली हार्मोन से कर रहे हैं दे आर ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल ठीक है क्लियर तो ये हमारी दस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वन बाय वन सबके बारे में हम पढ़ेंगे मैंने कहा बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं है इजी चैप्टर है समझते चलो बस एक बार दिमाग में चीजें फिट हो गई तो नहीं भूलोगे ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट विद द हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस में लिखा है सबसे पहले अब हमें पढ़ना क्या है किसी भी ग्लैंड की एक तो लोकेशन देखनी है बॉडी में पोजिशन कहाँ पर है ये दूसरा उसका हॉर्मोन देखना है और तीसरा उसके फंक्शन देखना है कुछ ग्लैंड्स में डिसऑर्डर्स के बारे में भी बताया सब में नहीं दिया तो जो एनसीआर में दिए हैं बस वही डिसऑर्डर्स आपको पढ़ने हैं ओके तो हाइपोथैलेमस में लिखा है इट इज द बेसल पार्ट ऑफ किस किसको याद है क्या था देखिए भूल गए कि याद है याद है डाई यानी यानी टू ब्रेन का पार्ट तो दाएंसेफलौन, जो फोर ब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस था उसको मिलाकर कहते हैं डायनसेफेलॉन तो डायनसेफेलॉन का बेसल पार्ट यानी हाइपोथैलेमस तो वो खुद क्या है यही है ठीक है डायनसेफेलॉन कॉमा करके लिखा है फोर ब्रेन ठीक है इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन इट कंटेन सेवरल ग्रुप्स ग्रुप न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स तब भी बताया था मैंने आपको कि भाई हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है तो तो न्यूरॉन का बना हुआ है फिर न्यूरॉन कैसे हार्मोन बनाने लगे बट येस yes, हाइपोथैलेमस में कुछ स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं तो आप उन्हें कह देंगे न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स या सिंपली न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं

कि या तो वो पॉजिटिव हार्मोन्स भेजते हैं या नेगेटिव भेजते हैं तो हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं या तो रिलीजिंग हार्मोन या इनिबिटरी हार्मोन अगर मान लो हमारी बॉडी को थारक्शन हार्मोन की जरूरत है तो क्या होगा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगी और तब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी ठीक है तो जो भी सिग्नल्स हैं वो पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में जाएंगे फिर पिट्यूटरी से एक हार्मोन नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल देगा इस तरह से हमारी बॉडी काम करती है ठीक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है हाउ एवर द हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाई हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स कौन से दो हॉर्मोन्स हैं बच्चों एक तो रिलीजिंग हॉर्मोन्स है और एक इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स को और इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स को ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझाया उसको मैं आपको एक बार एक चार्ट से बताती हूँ देखो कि मान लो हमारे टेस्टिस और ओवरी में कोई भी प्रोसेस करवाना है ठीक है तो टेस्टिस और ओवरी के लिए टेस्टिस और ओवरी को गोनाड्स कहते हैं क्या तो गोनाड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को कहेंगे गोनेडोट्रोफिन किसी भी हार्मोन के नाम में ट्रोफिन आ जाए ना तो ट्रॉफिन का मतलब स्टिमुलेट करना जैसे अगर मैं कहूं कि अःनेडो के अलावा मान लो मैं कहती हूं मेमो तो वो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है किसी में भी अगर जैसे हम कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिको तो वो एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है ठीक है तो तो जो ट्रॉफिन वर्ड है वो किसके लिए आता है स्टिमुलेट के लिए आता है तो मान लो हम कह रहे हैं कि इसको मैं एक सिंपल चार्ट के थ्रू भी अगर तुम्हें बताऊं कि मान लो हम कह रहे हैं कि ये गोनार्डस है और गोनेड्स को स्टिमुलेट करना है तो गोनाड को स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन है ना उसका नाम है बच्चों गोनेडो क्या नाम है गोनेडो ट्रॉफिन गोनेड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नीट में कई बार बच्चे क्या करते हैं जैसे क्वेश्चन आ जाता है गोनेडो का सोर्स बताओ बॉडी में और फर्स्ट ऑप्शन होता है गोनेड तो गोनेडी टिक करके आ जाते हैं गोनेडो ट्रॉफिन थोड़ी ना बनाएंगे गोनेड पे जाकर तो गोनेडो को एक्ट करना है तभी तो इसका नाम है गोनेडो ठीक है गोनाइड तो किसको बनाएंगे गोनाइड तो सेक्स हार्मोन्स को बनाएंगे सेक्सुअल हार्मोन्स को बनाएंगे टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन वो गोनाइडोट्रोफिन्स नहीं है गोनाइडोट्रोफिन्स वो हार्मोन है जो गोनाइड पर एक्ट करेंगे और इन गोनाइडोट्रोफिन्स में दो हार्मोन आते हैं जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत ही कॉमनली पढ़े होंगे एफ एंड एल ठीक है उनका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन सबके बारे में इंडिविजुअल बाद में पढ़ेंगे बट गोनेडोट्रॉफिन समझ में आया क्या तुमको अब सुनो ये गोनेडोट्रॉफिन कहाँ से आया होगा जिसने गोनेड को स्टीम्युलेट किया है मैंने कहा हर ग्लैंड को सिग्नल देने के लिए अगर कोई हॉर्मोन आ रहा है तो वो तो वो पिट्यूटरी से आएगा तो ये गोनेडोट्रॉफिन आया होगा पिट्यूट्री ग्लैंड से बट पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पता कि मुझे गोनेडोट्रॉफिन भेजना है कि नहीं भेजना तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कौन देगा हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे सिग्नल देगा या तो कुछ ऐसा होता कि भाई सीधा नर्वस है नर्व में नर्व इंपल्स आई और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिल गया बट यहाँ पे सिस्टम अलग है एंडोक्राइन सिस्टम में नेचर ने सिग्नल देने के लिए भी हारमोन को ही यूज किया है तो जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक एक हार्मोन भेजेगा जिसका नाम है जीएनआरएच जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग Hormone, बात समझ में आई गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग Hormone, ऐसा हार्मोन जो गोनेडोट्रोफिन का रिलीज करवाए तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पर और ये कहाँ से आए हैं ये आए हैं हाइपोथैलेमस था से बात समझ में आई तो ये बड़े मिलते जुलते से नाम है आपको मिक्स नहीं करने हैं तो ग्लैंड तो हो गई हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और गोनेड और इन पे काम कैसे कैसे हुआ हाइपोथैलेमस ने हार्मोन भेजा रिलीजिंग हार्मोन उसने एक्ट किया पिट्यूटरी पे पिट्यूटरी ने हार्मोन भेजा गोनेडोट्रॉफिन उसने एक्ट किया गोनाइड्स पे और फिर गोनाइड्स अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे अगर गोनेड्स को हार्मोन बनाना है तो हार्मोन बनाएंगे गेमीट्स बनाना है तो गेमीट्स बनाएंगे ठीक है ना बट डू रिमेंबर गोनेड्स से जो हार्मोन से होते हैं उनको बोलते हैं सेक्स हार्मोन्स या सेक्सुअल हार्मोन्स तो आप मिक्स नहीं करना जैसे मान लो आपसे जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लें कि बताओ मेल में गोनेडोट्रॉफिन का सोर्स क्या है या मेल मेल का सोर्स क्या है तो तो भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है तो कॉमन है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही पिट्यूटरी ग्लैंड इज द कॉमन तो आप जल्दीबाजी में अगर टेस्ट स्टिक करके आ गए तो आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी ठीक है तो इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है जब आप हॉर्मोन्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ढंग से पेशेंटली पेशेंट से पढ़ो कि भाई जो हार्मोन है उसकी ग्लैंड क्या है वो कहाँ एक्ट कर रहा है उसका नाम किस अकॉर्डिंग है तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा ठीक है क्लियर तो इस तरह हमारी बॉडी में ये काम करता है ऐसा सिर्फ अकेले गोनाइड के लिए नहीं है सेम इसी तरह का थायराइड ग्लैंड के लिए भी है मान लो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारी जो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है ना मान लो ये हमारी गोनाइड की जगह थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड को हॉर्मोन बनाना है थायरोक्सिन ठीक है तो थारॉयड ग्लैंड कब बनाएगी थायरोक्सिन को बच्चों जब इसके पास सिग्नल्स आएंगे सिग्नल्स के लिए इसके पास आता है थारॉयड स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन था हार्मोन को किसने सिक्रीट किया होगा पिट्यूटरी ग्लैंड ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या पता कि मुझे टीएसएच बनाना है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल आया होगा हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस इसके पास भेजेगा टीएसएचआरएच था हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो बहुत इजी है पहचानना हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन के नाम में आर एच या आई एच मिलेगा रिलीजिंग हॉर्मोन या इनिबिट्री हार्मोन ठीक है तो ये टी एस एच आर एच कहा से आया है ये आया है हाइपोथैलेमस से बात समझ में आ गई ना आप लोगों को तो इस तरह हमारी बॉडी में ये पूरी की पूरी एक्सेस काम करती है और अगर मान लो आप बॉडी को लगेगा कि यार थायरोक्सिन का लेवल ऑलरेडी बहुत बढ़ गया है अब और जरूरत नहीं है तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन भेजेगा टीएसएच आईएच इनिबेटरी हारमोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इनिबिट कर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड इसको भेजना बंद कर देगी और थायरॉइड फिर एक्ट मतलब थायरॉयड फिर नया हार्मोन नहीं बनाएगी ठीक है ना ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कोई इनिबिट्री हार्मोन भेजेगी इनिबिट्री हार्मोन सिर्फ हाइपोथैलेमस बनाता है अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे पहुंचता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन को भेजना बंद कर देती है तो ग्लैंड को सिग्नल मिलना बंद हो जाता है और वो ग्लैंड भी अपना हार्मोन बनाना स्टॉप कर देती है ठीक है समझ में आ गया क्या तो हाइपोथैलेमस से हमारी बॉडी में दो तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटरी हार्मोन ठीक है जैसे कि देखिए यहाँ एनसीईआरटी ने कौन सा एग्जांपल समझाया है फॉर एग्जांपल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बहुत क्वेश्चन आता है इस पर स्टार बना लो वेरी इंपॉर्टेंट जीएनआरएच गोनेडोट्रोफिन नहीं है ये गोनेडोट्रोफिन के लिए जीएन आ गया ऐसा करो ये चार्ट तुम छोटा सा बना ही लेना अपनी एनसीईआरटी में और गोनेडोट्रोफिन को जीएन मानना ठीक है ना GN. तो, तो GNRH क्या करेगा? It the and of on the other hand, और फिर गोनेडोट्रॉफिन कहां एक्ट करेंगे उन्होंने पूरा नहीं, नहीं लिखा और फिर गोनेडो ट्रॉफिन कहां एक्ट करेंगे ठीक है इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल समझाया आपको ऑन द अदर हैंड स्टोमैटोस्टेटेन एक इनिबिट्री हार्मोन का भी एग्जाम्पल समझाए देखो इनिबिट्री हार्मोन में थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझा देती हूँ कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में ना जो भी सेल्स ग्रोथ करती हैं तो ग्रोथ करने करवाने के लिए हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन से क्रिएट करती है ग्रोथ हॉर्मोन एक चीज समझना बच्चों की जरूरी नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमेशा कोई ऐसा हॉर्मोन बनाए जो किसी दूसरी ग्लैंड पर ही एक्ट करे पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ ऐसे हारमोन भी बनाती है जो सीधा टारगेट सेल्स पर एक्ट करते हैं जिनका काम किसी दूसरी ग्लैंड को सिग्नल देना नहीं बल्कि सीधा कुछ काम करना होता है फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हॉर्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये किसी ग्लैंड को सिग्नल नहीं देता बल्कि सीधा हमारी जो सोमेटिक सेल्स हैं बोन्स हैं मसल्स हैं उन पर एक्ट करता है और उनकी ग्रोथ करवाता है ठीक है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मान लो ग्रोथ हार्मोन बनाना है ठीक है। को क्या बनाना है ग्रोथ बनाना है। दूसरी ले लेते हैं। तो ये रही ठीक है और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ करवानी है तो ये क्या भेजेगी ये येट करेगी ग्रोथ हार्मोन को ठीक है ग्रोथ हार्मोन सीधा कहां एक्ट करेगा टारगेट सेल्स पर पर पिट्यूटरी ग्लैंड को पता कैसे चलेगा कि मुझको ग्रोथ हार्मोन भेजना है जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक हार्मोन भेजेगा दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बात समझ गए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तो इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को ना एक और नाम से जाना जाता है दैट इज सोमैटोक्राइनिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा अब मान लो ठीक है ग्रोथ होती जा रही है सफिशियंट क्वांटिटी है अभी हमारी बॉडी में ब्लड में ग्रोथ हार्मोन की तो अब क्या जरूरत है अननेसेसरी ग्रोथ हार्मोन बनाने की तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव सिग्नल कैसे देगा देखना हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन आएगा दैट इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन ठीक है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव सिग्नल देगा और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाना कम कर देगी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी ग्रोथ हार्मोन बनाना कम कर देगी जिससे कि अननेसेसरी उसका अमाउंट ब्लड में ना बढ़े ठीक है तो ये जो जीएचआईएच है ना इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टेटेन ठीक है तो बस हॉर्मोन्स में मेन कंफ्यूजन तब होता है जब इनके कोई दूसरे नाम आ जाते हैं नीट में अगर सिंपली लिखा हुआ आ जाए जी एच आर एच जी एच आई एच तो कोई भी बच्चा पहचान जाएगा कि भाई ये तो हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन है लेकिन अगर सोमैटो क्राइनिन सोमैटो इस तरह के नाम लिखे हुए आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आपको अपनी मेमोरी पावर यूज करनी पड़ेगी तो आपको हॉर्मोन्स के सभी नाम पता होने चाहिए ठीक है तो हाइपोथैलेमस का एक तो इन्होंने रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल दे दिया इस सोमैटोस्टेटिन का तुम दूसरा नाम लिख लो ये सोमैटोस्टेटिन क्या है दिस इज जी एच आई एच ठीक है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझना हाइपोथैलेमस में एक और इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि भाई हाइपोथैलेमस अपने इन हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड तक कैसे पहुंचाता होगा तो सीधी सी बात है जैसे सभी ग्लैंड पहुंचाती हैं हम बोलते हैं कि हॉर्मोन्स को बनाकर ब्लड में डाल दिया जाता है और ब्लड के थ्रू वो पिट्यूटरी मतलब अपने अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो अगर मान लो ये आपको हाइपोथैलेमस दिखाया है और आपको पता है हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोनों एक स्टॉक से जुड़े रहते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिविलम क्या बोलते हैं इसको इन्फंडिविलम तुम्हारी एनसीआरटी में देखो एक डायग्राम है इसको समझाने के लिए ठीक है इसमें ये दिखाया स्ट्रक्चर ये तो आपको पूरा हाइपोथैलेमस दिखाया है ये क्या है पूरा ये पूरा हाइपोथैलेमस दिखाया है और ये नीचे क्या दिखाई है पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई है और दोनों को जोड़ता हुआ ये जो स्ट्रक्चर है ना ये जो स्ट्रक्चर है पूरा इस पूरे स्ट्रक्चर को तुम लिख लो इन फंडेबुलम ये वहां भी आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सेम टर्म आती है है ना पिमरी लगे रहते हैं जहां फेलोपियन ट्यूब का सबसे मोस्ट एंटीरियर पार्ट ओके तो, तो अब समझना कि हाइपोथैलेमस क्या करेगा अपने हॉर्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेजने के लिए ब्लड में डालेगा ना तो आप ध्यान करो जब हमने सर्क्यूलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो सर्क्युलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कुछ जगह पोर्टल सिस्टम्स हैं पोर्टल सिस्टम यानी एक ऑर्गन से जो ब्लड निकल रहा है वो वेना केवा में ना जाकर सीधा हार्ट में ना जाकर एक दूसरे ऑर्गन से गुजरता हुआ अगर जाए तो उसको कहते हैं पोर्टल सिस्टम ध्यान है डाइजेस्टिव सिस्टम से जब ब्लड कलेक्ट करके अः मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को न्यूट्रिएंट्स को कलेक्ट करके निकलता है तो वो लिवर से होता हुआ जाता है जिससे लिवर में एक्सेस फूड को पहले ही वो छोड़ देता है है ना इसको हमने कहा था पोर्टल पोर्टल सिस्टम या वेन तो बिल्कुल वैसा ही एक पोर्टल सर्कुलेशन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में भी होता है हाइपोथैलेमस क्या करता है ये न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस के न्यूरो सेल्स से, है इनने अपने हार्मोन ब्लड कैपिलरीज में डाल दी कैपिलरीज किसी भी ऑर्गन से निकलती है तो वेन बनाती है अब ये जो वेन है ये वेन वैसे तो कहां खुलनी चाहिए थी वेना केवा में और हार्ट में ब्लड जाना चाहिए था बट ये वेन केवा में नहीं गई बल्कि पहले पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर वापस कैपिलरीज में डिवाइड हो गई तो क्या मैं इस वेन को हिपैटिक पोर्टल वेन कह सकती हूँ यस yes, हमने सॉरी हिपैटिक नहीं इसको हम कहेंगे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन पोर्टल वेन का नामकरण कैसे करते हैं जिस तरफ वो जा रही है जहां से आ रही है, वहां से नहीं, जिस तरफ जा रही है तो से आई है और कई तो बार बता चुकी हूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसकी तरफ ये एक वेन आ रही है जिसका नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो देयर इज अ पोर्टल सर्कुलेशन बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है क्या बात तो तो ये जो हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन है अच्छी बात है यहाँ कैपिलरीज में डिवाइड हो गई हाइपोथैलेमस ने अपने हार्मोन डाल दिए ये हार्मोन यह यहां निकल गए और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे देंगे बढ़िया बात है ठीक है ना बात समझ में आ गई ना अब अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है क्या ट्विस्ट है कि हाइपोथैलेमस जब अपने हॉर्मोन्स पिट्यूटरी को भेजता है तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू तो भेजता ही भेजता है लेकिन लेकिन दो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस को इतने ज्यादा प्यारे हैं कि वो उन दो हॉर्मोन्स को ब्लड वेसल्स में भी नहीं भेजता वो बोलता है कि मैं रिस्क नहीं ले सकता इनको ब्लड कैपिलरीज में डालने का क्या पता कहीं और पहुंच गए तो इन हॉर्मोन्स को तो मैं खुद पिट्यूटरी ग्लैंड को देकर आऊंगा तो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स इस तरह बनाई गई हैं, जो इतनी लंबी हैं कि वो सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर एंड हो रही हैं। ये न्यूरॉन है ना देखो न्यूरॉन का साइटॉन

तो वो कौन से दो प्यारे हार्मो है हाइपोथैलेमस के बच्चों वो दो हॉर्मोन्स हैं एक तो एडीएच पढ़ चुके हैं क्या इसके बारे में हम कहीं पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में और एक हार्मोन होता है आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन ठीक है जो जिसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं बेबी बर्थ के वक्त पे जो रिलीज होता है ठीक है तो ये जो दो हार्मोन्स हैं ये दोनों हार्मोन खुद हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स लेकर जाते हैं ना कि पॉटल सिस्टम के थ्रू पहुंचते हैं ओके okay? तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी छोटी होती है कंपेरेटिवली और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हॉर्मोन नहीं बनाती हाइपोथैलेमस ने कहा कि तुम्हें कुछ काम ही नहीं करना मैं खुद अपने दो प्यारे हारमोन तुम्हें देकर जाऊंगा उन दोनों हार्मोन्स को तुम स्टोर रखना और जब मैं कभी सिग्नल दूं तुम्हें तो बस तुम उन दोनों हार्मोन्स को ब्लड के थ्रू उनके टारगेट ऑर्गन्स तक भेज देना ठीक है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना कोई हार्मोन नहीं बनाती पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज पोस्टीरियर नॉट सिंथेसाइज डज नॉट सिंथेसाइज एनी हॉर्मोन एनी हॉर्मोन तो फिर क्या करती है ये ये स्टोर करती है बट इट्स स्टोर टू हॉर्मोन्स ऑफ टू हारमोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के दो प्यारे हार्मोन्स को स्टोर करती है कौन से दो हार्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ठीक है क्या लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी का ऐसा नहीं है एंटीरियर पिट्यूटरी तो अपने अलग हॉर्मोन्स बनाती है अभी बताया मैंने जितने भी आपको ग्रोथ हार्मोन बनाती है टीएसएच बनाया जी गोनेडोट्रॉफिन्स बनाई ये सब इसके खुद के हॉर्मोन्स हैं

ये जो हार्मोन्स वाला चैप्टर है इसको जितना चार्ट और टेबल बना बना के याद करोगे उतना अच्छे से है, ये जाते है? तक? लेकिन कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ एंटीरियर पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है और किसके थ्रू जाते हैं बाय पोर्टल सर्कुलेशन बाय पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन ठीक है क्या और हाइपोथैलेमस दो और हॉर्मोन्स बनाता है दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ये भी इसी के हॉर्मोन्स हैं लेकिन ये खुद इनको ब्लड में सिक्रेट नहीं करता बल्कि पहले तो खुद छोड़कर आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक इसके पास बहुत काम है ये बिजी है तो ये कहता है यार मैं स्टोर नहीं कर सकता मैं तो बना बना के तुमको दे देता हूँ ठीक है और कैसे पहुंच रहे हैं यार ये इनके पास बाय एक्जोन ठीक है डायरेक्टली एग्जोन के थ्रू पहुंच रहे हैं सीधा न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंच रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इनको स्टोर करके रखती है और जब जरूरत पड़ती है तब ब्लड को दे देती दे थी है ठीक है तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हुए और कौन से दो रस्तों के थ्रू वो ग्लैंड तक पहुंचे दैट यू हैव टू रिमेंबर और ध्यान रखना क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स न्यूरॉन के थ्रू मिलते हैं ना दैट्स वाई दैट्स वाई इसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस तो कहते ही हम और मतलब ऐसा कह सकते हैं क्या हम कि इट इज डायरेक्ट अंडर न्यूरल रेगुलेशन ये सीधा न्यूरॉन्स के रेगुलेशन में है तो इसलिए इसका नाम रख दिया न्यूरो हाइपोफाइसिस जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं हाइपोफाइसिस गैप नहीं देना इनके बीच में वो तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है मैंने ठीक है समझ में आ गई बात तो यहां पर क्या लिखा है देखो एनसीआरटी में हम एनसीआरटी को पढ़ें तो कि कि इफ वी टॉक इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द दीज टू तो ये कैसे पहुंचते हैं दीज हारियर नर्व एंडिंग एंड रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्क्यूलेट्री सिस्टम कैसे पहुंचते हैं ये पोर्टल सर्क्यूलेट्री सिस्टम के थ्रू ये बात किसके लिए कही गई है ये बात इन दोनों हॉर्मोन्स के लिए कही गई है ठीक है रेगुलट द फंक्शन ऑफ इंटीरियर पिट्यूट्री वाइल एक ही लाइन लिखी है बट बड़ी इंपॉर्टेंट है द पोस्टीरियर पिट्यूट्री इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेग्यूलेशन ऑफ द हाइको थाले मैं एनसीआर टी ऐसे ही करती है इतना सा लिख के छोड़ दिया अब तुम समझते रहो इसका मतलब क्या है तो हम है ना वो समझाने के लिए ठीक है तुम बस समझो चीजों को याद रखो प्रैक्टिस करो जिससे तुम्हारे नीट ने, में बढ़िया मार्क्स आए कैसे समझना है उसकी चिंता तुम मत करो ठीक है क्लियर हो गया क्या तो हाइपोथैलेमस के बारे में एनसीआरटी में यही दे रखा है देखो ये भी एक मुझे अच्छा डायग्राम लगा तो इसमें दिखाया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी तक तो कैपिलरीज यानी पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुंच रहे हैं और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें सीधा येलो कलर से दिख रहे हैं सीधा एक्सॉन्स आ रहे हैं न्यूरोन्स आ रहे हैं और वो अपने हॉर्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डाल रहे हैं जब सिग्नल आएगा तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ब्लड के थ्रू उन हॉर्मोन्स को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा देगी ठीक है डन तो दिस इज ऑल अबाउट द हाइपोथैलेमस तो हमने आज एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट और हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा नेक्स्ट सेशन में हम फर्दर ग्लैंड्स पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड जो भी हमारे बॉडी की ग्लैंड्स हैं ठीक है ठीके? ये जो मैंने चार्ट्स बनाए हैं कुछ इनको आप एक बार बना लेना जिससे आप वो चीजें याद रहे एक तो ये जैसे ये तो कुछ एग्जाम्पल वाले चार्ट हो गए और मेनली जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स हैं कहाँ गए हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस के ये रहा इसको ऊपर ले लेते हैं जरा ये भी आप लोग बना लेना ओके चलिए गुड बाय